गुना जिले में खाद के लिए वितरण केंद्रों पर किसानों की कतारें लग गई है। खाद की रेक आने के बाद वितरण शुरू हुआ है। सभी डबल लॉक केंद्रों पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें, शनिवार को डीएपी की दो रैक जिले को मिली थी। इनमें एक रैक कोरोमंडल और एक चंबल फर्टिलाइजर से आई थी। इन दोनों रैक में 2600 मीट्रिक टन डीएपी मिला था। रविवार को तीसरी रैक भी गुना पहुंचाई गई। यह एनएफएल से आई है। इसमें 1000 मैट्रिक टन डीएपी आया है। इस हिसाब से जिले में 3600 मैट्रिक टन खाद आ गया है। बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जिसके किसानों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। अंदर जा रहा है खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों के हाथ खाली हैं। खाद नहीं मिल रहा हूँ, खाद नहीं मिल रहा है। बिल्कुल रात भर पूरी होगा, पूरे दिन होगा। कहाँ से आयो? चांदल से आया। क्या नाम है तुम्हारा? मंसूर यादव। तो खाद सुबह बट रहा था ना? बल्लापुर के राजेंद्र मैंने उठावांगे तो वो मरद से बचो, एक सकतपुर को प्रजापति मरद से बचो। ये के बाद में पुलिस ने बिल्कुल बखरी सकती खरी, लेकिन खात में इनने क्या किया? टोकन नंबर आदमी अरैया का छोड़ रहा है, वो लिखने वालों भी भूल रहा है। कोई की पैसा, कोई की पर्ची, व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। जब किसानों के हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। कैंट टीआई अनुप भार्गव ने किसानों से लंबी बातचीत की, जिसके बाद किसानों ने चक्का जाम खत्म किया। तो टोकन खाद विभाग वाले हो रहे हैं। गौरतलब है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के बाद 4123 मैट्रिक टन खाद जिले में पहुंचाया है। बावजूद इसके किसानों को खाद के लिए इस तरह परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में व्यवस्था को लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।